नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र के पवित्र 9 दिन की शुरुआत कलश की स्थापना के साथ होती है। कलश स्थापना के साथ ही इन नव दुर्गाओं की पूजा आराधना व्रत संकल्प पाठ आदि के माध्यम से शुरू हो जाती है। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र को माना जाता है, क्योंकि इस पूरे अवधि में हर दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। माता के सभी 9 रूपों का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसलिए इन स्वरूपों के पीछे की कहानी और इनका आशीर्वाद पाने के लिए इन देवियों को पूजने के तरीके भी अलग अलग हैं। इन सभी 9 देवियों में पहली देवी माँ शैलपुत्री हैं। नवरात्र की प्रतिपदा यानी कि पहले दिन माता शैलपुत्री देवी की पूजा होती है। माँ दुर्गा के पहले रूप माता शैलपुत्री की पूजा कलश स्थापना वाले दिन ही की जाती है। इनकी पूजा विधि विधान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में हम इस वीडियो में आपको माँ शैलपुत्री का स्वरूप, उनके अवतार की कहानी और उनकी पूजा करने की विधि बताएंगे। साथ ही आपको वह पवित्र मंत्र बताएंगे जिसका जाप करने से माँ शैलपुत्री अपने भक्तों पर प्रसन्न रहती हैं। सौम्य है माता का स्वरूप। प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। माता का स्वरूप बेहद सौम्य है। माँ शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल को धारण की हुई हैं, तो वहीं बाएं हाथ में कमल का पुष्प थामे हुए हैं। माँ शैलपुत्री की सवारी नंदी बैल है। नंदी बैल पर विराजित होकर माता संपूर्ण हिमालय पर विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें वृषोरूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से भक्त को यश, कीर्ति, धन और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वृषभ पर सवार माता शैलपुत्री समस्त जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री सती का ही स्वरूप मानी जाती है, इसलिए पार्वती ही शैलपुत्री हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस विशाल यज्ञ में उन्होंने सृष्टि के सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे शंकर जी से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, लेकिन सती ने भगवान शिव से इस यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के खूब आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती उस यज्ञ में पहुंची तो उनकी माँ के अलावे किसी ने भी उनका ध्यान नहीं रखा। वहीं सती के पिता ने भरी सभा में भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। इस घटना से आहत होकर सती को वहां आने का पछतावा हुआ और दुख में सती उसे यज्ञ वेदी में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ और तभी माता का यह रूप शैलपुत्री कहलाया। शैलपुत्री का अर्थ होता है शैल अर्थात पर्वत की बेटी, और प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री ही शिव की अर्धांगनी पार्वती का भी रूप है। पूजा करने की विधि और पवित्र मंत्र। माँ शैलपुत्री का दिन नवरात्र का पहला दिन होता है, इसलिए इस दिन इनकी आराधना कलश स्थापित करने के साथ ही शुरू हो जाती है। पूजा करने से पहले पवित्र जल से स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा शुरू करनी चाहिए। माता को लाल फूल, सिंदूर, अक्षत चढ़ाने चाहिए। माँ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए सफेद फूल भी चढ़ाया जाता है। इसके बाद माँ शैलपुत्री के पवित्र मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। पूजा करने वक्त इस मंत्र का जाप से माता प्रसन्न होती है। इसके बाद माँ के सामने धूप, दीप और देसी घी से बने दीपक जलाएं और आरती उतारें।
पूजा करने के समय शैलपुत्री माता की कथा दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। इस दौरान श्रोत और कवच के पढ़ने से देवी प्रसन्न होती हैं। विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद माँ के सामने भोग लगाए इस भोग को उतार कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा शाम के समय में भी आरती करके की जानी चाहिए। इस दिन संकल्प और निश्चल भाव से व्रत करने वाले भक्तों की पुकार माँ अवश्य सुनती हैं और भक्त के जीवन में स्थिरता लाती हैं। तो यह थी प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री की पूजन विधि। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।